Hey friends, welcome back to my channel, and today we are going to study an offer must be communicated. So regarding this topic, we will study a very important case law, Lalman Shukla versus Gauri Dutt, 1913. ये केस 1913 की है. इस केस में क्या हुआ था, गौरी दत्त का नेफ्यू घर से भाग गया था. गौरी दत्त का सर्वेंट लालमन शुक्ला बिना बताए उसे खोजने निकल जाता है. तो जब लालमन शुक्ला घर से उसे जाता है खोजने के लिए, तो गौरी दत्त एक ऑफ़र देती है कि जो भी मेरे नेफ्यू को खोज कर लाएगा, मैं उसे 50 रुपये का इनाम दूंगी. एंड एट लास्ट लालमन शुक्ला उसके नेफ्यू को खोज कर ले आता है. जब लालमन शुक्ला को पता चलता है कि मेरे जाने के बाद गौरी दत्त ने ऑफ़र रखा था कि जो मेरे नेफ्यू को ढूंढ के लाएगा, मैं उसे ₹50 दूंगी, तो वो अब अपना हक मांगता है कि मेरे पैसे लाओ, मैं तुम्हारे नेफ्यू को लाया, अब मेरे पैसे मुझे वापस करो जो ऑफ़र के थे, जो तुमने रखा था. लेकिन यहाँ पे गौरी दत्त रिफ्यूज़ कर जाती है. वो कहती है कि मैं नहीं दूंगी, मैंने ऑफ़र तुमसे नहीं किया था, मैंने तुम्हें पर्सनली नहीं बोला था. अब यहाँ पे लालमन शुक्ला जो है वो गौरी दत्त के अगेंस्ट केस फाइल करता है. जजमेंट आता है कि यहाँ पे लालमन शुक्ला का कोई हक नहीं बनता है कि वो गौरी दत्त से ऑफ़र का डिमांड करे, जो ऑफ़र उसने रखा था उस ऑफ़र के पैसे ले. क्यों? क्योंकि ऑफ़र जो है वो कम्युनिकेटेड होना चाहिए दो पार्टी के बीच में. अगर गौरी दत्त इससे पहले बात कर लेती कि अगर तुम मेरे नेफ्यू को ढूंढ कर लाओगे तब मैं तुम्हें पैसे दूंगी, लेकिन गौरी दत्त ने पर्सनली तो बोला नहीं. शी जस्ट मेड एन ऑफ़र, नॉट विद एनी पर्टिकुलर पर्सन, शी जस्ट टोल्ड अलोन इन फ्रंट ऑफ द पीपल कि कोई भी लाएगा मैं दे दूंगी, नॉट विद दैट कि मैं तुम्हें दूंगी, नहीं. सो हियर लालमन शुक्ला इज नॉट लायबल, उसे यहाँ पे कुछ नहीं मिलेगा. दस लालमन शुक्ला इज नॉट इंटाइटल टू द रिवॉर्ड, ही वोंट गेट एनीथिंग. सो हियर द इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट एन ऑफर ऑलवेज मस्ट बी कम्युनिकेटेड.